अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छी सेहत में होंगे, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। दिस इज मोहम्मद नईम एंड यू आर वॉचिंग टेक इन गेम वीडियोस। हाँ तो भाई लोग, यार कोई अजीब ही सिचुएशन चल रही है, मतलब हर तरफ से टेंशन वाली न्यूज़ ही आ रही है। कल चल रहा था, चलो टेंशन वाली वो तो ज़्यादा नहीं, लेकिन अब बहुत टेंशन वाली न्यूज़ आ गई। वो क्या, पहले तो आज टिकटॉक बंद हो रहा है, इंडिया में तो चलो हो रहा है, पाकिस्तान में भी उसके रूमर्स चल रहे थे, लेकिन अब ये देख लीजिए आपके सामने एक नया ड्रामा आ गया है जो है जी, पीटीए इज कंसिडरिंग बैनिंग पबजी इन पाकिस्तान। मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, क्यों, किस वजह से, क्या कहा गया जी? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए हैज बीन डायरेक्टेड टू डिसाइड ऑन बैनिंग द फेमस मल्टीप्लेयर गेम पबजी फ्रॉम पाकिस्तान एज पर ऑर्डर्स फ्रॉम द लाहौर हाईकोर्ट LHC। मतलब व्हाट द हेल इज दिस यार, कि आप लोग क्या करके आ रहे हो? मतलब आप लोग अजीब हो यार, इतने वेले हो कि आपको बार बार नजर आ रही है कोई गेम जो बच्चे खेलते हैं। चलो आप खेलने की बात तो छोड़ दो यार, आप देखो इतनी ज्यादा दुनिया है जिनकी इस चीज के ऊपर रोजी लगी है, मतलब जो इस चीज को स्ट्रीम करते हैं और इससे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, और आप उनकी अर्निंग बंद कर दोगे यार, ये कोई तरीका है? आपको आवाम ने भी फिर ना सही बिल्कुल फिट किस्म के जवाब देते हैं, आप डिजर्व करते हैं ऐसे जवाब। ये देखें, दे कैन नॉट एक्चुअली डू एनीथिंग अबाउट क्राइम, सोसाइटी, कोरोना और एनी एल्स। बिल्कुल फिट जवाब दिया इस भाई ने कि यार ये और किसी चीज के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इनको आ जाकर अगर कोई थोड़ा सा ना न्यूज में या थोड़ा सा हाईलाइट होना होता है ना, तो काम क्या करते हैं जी, और ये यूथ को टारगेट करते हैं कि जी पबजी बंद कर दो, ये गेम बंद कर दो, फ्लैम बंद कर दो, टिमकाम बंद कर दो। जो आपने रोकना है, ये आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए, ये भाई साहब की अभी जिस अदालत से जमानत हुई है, ये उसी अदालत से मोटरसाइकिल चुरा के जा रहे हैं। आप इनको 21 तोपों की सलामी दीजिए, ये हमारे जो पबजी बैन करने वाले हैं, कि आपको ये चीज कंट्रोल नहीं हो रही कि आपकी अदालत में से अभी एक बंदे को मिलती है जमानत और वो उसी अदालत के बाहर से बाइक चुरा के ले जाता है, तो आप खुद को कहते हैं कि आप कंट्रोल करेंगे जी बच्चों के अंदर जो वायलेंस क्रिएट हो रहा है? यार आपको 21 तोपों की सलामी है, आप लोगों को ना घर पे बिठा के आपकी खिदमत की जाए ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने हुकूमत नहीं संभालनी। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पबजी बैन कर सकते हैं, आप लोग पबजी की तरफ आ जाओ, बाकी काम छोड़ दो, वो हम देख लेंगे। और ये देखें जी, पेरेंट्स बहुत कंप्लेंट्स कर रहे हैं इस भाई ने, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बेस्ट आंसर दिए कि इफ यू आर सो कंसर्न अबाउट पेरेंटिंग सो वाई नॉट कंट्रोल योर ओन चाइल्ड। जी बिल्कुल, अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा खेल रहा है तो भाई उसको कंट्रोल करो, गेम को क्या ब्लेम कर रहे हो, इसमें गेम का क्या कसूर है? ये तो कसूर आपके बच्चे का जो ज्यादा से ज्यादा खेल रहा है। दिस इज नॉट फेयर, मुझे नहीं लगता कि इस गेम को ऐसे बैन करना चाहिए, क्योंकि आप वायलेंस की बात करते हैं, तो वायलेंस की बात अगर आप करते हैं तो आप आ जाएं बाकी गेम्स के ऊपर, इसमें तो कोई वायलेंस नहीं, मुझे तो कोई वायलेंस नजर नहीं आता। ये जस्ट एक एनिमेशन काइंड ऑफ गेम है, मतलब जिसके अंदर आपको इतने ज्यादा रियल इफेक्ट ग्राफिक्स भी नजर नहीं आते। मतलब आप वायलेंस की बात करते हो, आप बात करो लास्ट ऑफ अस 2 की। लास्ट ऑफ अस 2 में क्या है, लास्ट ऑफ अस 2 में इतना वायलेंस है कि इसको तो आप लाइन से ही निकाल दो ना उसकी, आप वायलेंस देखें, लेकिन दुनिया उसके पीछे क्रेजी हुई है। उसके अलावा आप फायरिंग की बात करते हो तो आप कॉल ऑफ ड्यूटी सीरीज ले लो, इतनी उसके अंदर फायरिंग है, इतना उसके अंदर वायलेंस है, वो आज तक कभी हाईलाइट नहीं हुए। ये क्यों, आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक एजेंडा होता कि यार इसी गेम को बैन करना है? मतलब आई डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, अजीब ही है यार, मुझे तो कोई समझ नहीं आती। अदालतों के बाहर से जनाब मोटरसाइकिलें उठा लेते हैं वही जिनकी जमानतें होती हैं, और इनको आ जाके मिल जाती है पबजी। तो भाई मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल ही आवाम जो हमारी है ना सही जवाब दे रही है, इनको डिजर्व करती है हुकूमत इनसे गालियां खाना, तो गालियां तो पड़ेंगी, गालियां खाओ, तुम लोगों का यही काम है। अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, अपना बड़ा ख्याल रखिए, अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।